आइए आप मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन द स्कोर अबव एंड बिलो विच 50% ऑफ द स्कोर्स लाई। एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर 50% है और जिसके नीचे 50% स्कोर्स लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सीरीज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, किसी भी टाइप की सीरीज हो सकती है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ये स्कोर्स हो सकते हैं, ये हाइट्स हो सकती हैं या वेट्स हो सकते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसके अबव 50% हो और जिसके बिलो 50% हो, तो आप ये देखेंगे पहले कि इन नंबर्स को सबसे पहले छोटे से लेकर बड़े तक अरेंज किया जाए, और फिर जो बीच वाला जो नंबर होगा इसके नीचे की साइड में आपको 50% वैल्यूज मिलेंगे, इसके अबव जो आपको 50% वैल्यूज मिलेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी सीरीज ऑड होगी, और इस नंबर को निकालने का एक मेथड है n+1/2, तो ये टर्म होगा। अगर आपके पास ये सीरीज ऑड सीरीज है, मतलब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हैं, 7 इज ऑड, तो अगर आपके पास में एक ऐसी सीरीज आती है जिसमें ऑड नंबर है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सीधे मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n की जगह में हमने 7 लिखा, 7+1, 8/2, दैट कम्स आउट टू बी 4th टर्म। तो आप यहां से गिनना शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो चौथा जो नंबर आएगा उसको आप सर्कल करेंगे और यही आपका मीडियन होगा। लेकिन तब क्या जब आपके पास में सीरीज इवन हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज दी हुई है। अब 6 वैल्यूज में आप अगर बीच का टर्म खोजें तो आपके पास में 5 और 6 दो टर्म्स आते हैं। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका मीडियन क्या होगा। इसके लिए हम अगेन वही करेंगे जो हमने पहले किया था, n+1/2। तो इस सीरीज में हमारे पास में 6 हैं, तो इसलिए हम 6+1/2 करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 3.5, 7/2 इज 3.5, विच लिटरली डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम 3.5 टर्म की बात करें तो लिटरली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि हमने पिछले वाले में टर्म निकाला था। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो हम चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, तो 3.5 जो टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का नंबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म को लेंगे, दैट इज 5 और 6, और दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीडियन निकल आएगा, दैट इज 5.5। आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास में क्लासिफाइड डेटा हो तो मीडियन इस फॉर्मूले से निकलता है, मीडियन इज इक्वल टू L+N/2 -M/F × CI। इसी मीडियन को हम Q2, जिसको क्वार्टाइल 2 कहते हैं, या परसेंटाइल 50 भी कहते हैं। अगर आप अपने डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कि 0 से लेके 100 तक आप इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और प्रत्येक भाग, प्रत्येक जो पार्ट है वो क्वार्टाइल कहलाता है। सो इट स्टार्ट्स विद Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो ये जो पार्ट है इनको क्वार्टाइल्स कहा जाता है, और कई बार इनको परसेंटाइल से भी हम बताते हैं। ये P25 है, P50 है, क्वार्टाइल 3 को परसेंटाइल 75 भी कहा जाता है, क्वार्टाइल 4 को परसेंटाइल 100 भी कहा जाता है। आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखें। आपके पास में क्लास मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, 20 से लेकर 30 तक जितने बच्चों ने स्कोर किया है वो 3 है, और 30 से लेकर 40 तक जिन्होंने स्कोर किया है वो 4 है, 40 से लेकर 50 तक जिन बच्चों ने स्कोर किया है वो 5 बच्चे हैं, और 50 से लेकर 60 तक जितने बच्चों ने स्कोर किया है वो 10 बच्चे हैं, 60 से लेकर 70 तक जितने बच्चों ने स्कोर किया है वो 6 हैं, और 70 से लेकर 80 तक जितने बच्चों ने स्कोर किया है वो मात्र 2 बच्चे हैं। अब आपके पास में जब ये क्लासिफिकेशन निकल के आता है तो ये डेटा अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को हमें समझाता है। यदि आपको वो नंबर जानना है जिसके अबव 50% है और जिसके बिलो 50% है, तो आप उसको मीडियन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको यूज़ करना होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको कैलकुलेट n/2, आपको n/2 निकालना है, और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि n आपका इन सब को ऐड करके निकलता है। तो अगर आप 3+4+5+10+6+2 करें तो ये इट कम्स आउट टू बी 30, और जो आपका सैम्पल साइज है या जितने बच्चे टेस्ट में शामिल हुए थे वो ये नंबर है। तो आपने n/2 निकाला, मतलब 30/2 निकाला, विच कम्स आउट टू बी 15। जब आप n/2 निकाल देते हैं तो आपने एक स्टेप पूरा कर लिया है।
साथ ही साथ आपको CF भी निकालना है, CF जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी के सामने इसको लिखिए, 3 के सामने 3, अब 3 को 4 से प्लस कीजिए, इट कम्स आउट 7, अब जो 7 नंबर आया इसको 5 में प्लस कीजिए, इट कम्स आउट 12, ये जो 12 नंबर आया इसको 10 से प्लस कीजिए, इट कम्स आउट 22, इसी तरीके से 22 में 6 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, और 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। अगेन जो नंबर यहाँ पे आया है ये सेम है क्योंकि ये सैंपल साइज है, ये आपके पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, लोकेट मीडियन क्लास इक्वल और अबव एन बाय 2 इन CF। हमें ये जांचना है कि मीडियन क्लास कौन सी है, और मीडियन क्लास को जांचने के लिए आपको जो एन बाय 2 आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसको लोकेट करना है। यदि आप एन बाय 2 को देखें तो वो आपके 12 और 22 के बीच में आएगा, तो मीडियन क्लास को लोकेट करने के लिए हम हमेशा ऊपर वाले को ही देखेंगे, 12 से ऊपर वाली जो क्लास है 22 है उसमें हम जो है इसको लोकेट करेंगे, इसलिए हम ऊपर वाली क्लास को, ये जो क्लास है 50 से 60 वाली इसको हम लोकेट करेंगे, यही हमारी मीडियन क्लास होगी। यदि आप इस मीडियन क्लास को देखें तो इस मीडियन क्लास से आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी, जैसे आप इस नंबर को यहाँ पे देखें जो 10 है यही आपका F है जो इस जगह पर प्लेस किया जाएगा, इसमें जो लोअर लिमिट है 50 वही आपका L है, और इससे पहले वाली जो क्लास है इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वैल्यू आपका M होगा। तो थर्ड स्टेप में आप इन सबको आइडेंटिफाई करके लिखेंगे, L 50 आ जाता है, F 10 आता है, M 12 आता है, और जो क्लास इंटरवल है दैट इज 60 माइनस 50, इन दोनों का गैप वो 10 है, वो भी आप आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद इन सारी वैल्यूज को आप फॉर्मूले के अंदर फिक्स कीजिए और जल्दी से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 53, यही आपका मीडियन है। फाइनली लेट्स स्टडी अबाउट मोड, मोड के बारे में हम स्टडी करेंगे। मोड इज द स्कोर विच फ्रिक्वेंटली अकर, जो बार बार आता है उसी को हम मोड कहते हैं, और इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इनटू CI। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं जिसमें 536 बच्चों को आपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, एक टेस्ट में 20 से 30 तक स्कोर करने वाले 3 बच्चे थे, 30 से 40 तक स्कोर करने वाले 61 बच्चे थे, 40 से 50 तक स्कोर 132 बच्चों ने किया, ऐसे ही 50 से 60 के बीच में 153 बच्चों ने स्कोर किया, 60 से 70 के बीच में 136 बच्चों ने स्कोर किया, और 70 से 80 के बीच में करीबन 51 बच्चों ने स्कोर किया। अब इसका मोड निकालते हैं। पहला स्टेप जो आपको करना, आइडेंटिफाई मॉडल क्लास एंड फाइंड L, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें L की आवश्यकता है इसलिए हम L फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें मॉडल क्लास को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मॉडल क्लास को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस कॉलम में जाना पड़ेगा, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको नहीं निकालनी है, केवल इस फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम ये तय कर लेते हैं कि कौन सी मॉडल क्लास होगी। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 153 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसी फ्रीक्वेंसी को हम F0 कहेंगे। जब ये टेबल इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लगी हो, लाइक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन, तो इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 कहलाएगी, और इसकी जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 कहलाएगी, जबकि F0 ये मॉडल क्लास कहलाएगी, और इस क्लास में ये लोअर लिमिट L कहलाएगी, अपर लिमिट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं हम इनको यहाँ प्लग करेंगे, लेकिन हम ये जान लें कि पहले डेल्टा 1 है क्या, डेल्टा 1 F0 माइनस F1 है, डेल्टा 2 F0 माइनस F2 है, मतलब 153 माइनस 132 और 153 माइनस 136। स्टेप 3 में आप क्लास इंटरवल को सर्टेन करेंगे, दैट इज 60 माइनस 50 विच कम्स आउट टू बी 10, क्लास इंटरवल यहाँ पे 10 का है, और स्टेप 4 में आप सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर प्लग इन करेंगे। जैसे आप ये प्लग इन करेंगे तो आपके पास में एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी जो आपको मोड बताएगी। इस तरीके से हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। मोड एक और मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, जो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपकी बारी, इस प्रश्न को आप सॉल्व करें जिसमें
आपको डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है, आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री को आपने पूरा करना है, और स्टेप फोर में आपको सारी वैल्यूज प्लग इन करके मोड कैलकुलेट करना है। थैंक यू सो मच।